कुछ किया है। देखो जी नवी गाड़ती अंदर उन्होंने फट के इतना गंद निकला अंदर से, एक गार सी निकली है देखे। ये अभी निकल लेंगे तो ये भाई की हिम्मत है जो लगे हुए हैं कटे पीने के लिए। तो हम ये पानी बिल्कुल देख, वो पीछे बैठा हुआ है, इन्होंने सारे पौधों की माँ बहन एक कर दिया। ये देखिए अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है यार, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में सबसे पहले आप सबको करते हैं वेलकम। तो यार ये वो बिल्ली है जिसने खुद तो आई है हमारे घर में, तो साथ अपने बच्चे भी लेके आई है। बड़ा इसने यार तंग तो नहीं खैर किया, लेकिन सुकून भी नहीं हमें दिया। ये दूध पी रहे हैं माँ का। अब चलते हैं इसके पास, देखते हैं कुछ करती है कि वो पीछे बैठा हुआ है, इन्होंने सारे पौधों की माँ बहन एक कर दिया। ये देखिए कहाँ जा रही हो, चली गई है अब, ये भी भाग गया। ऐसे करते हैं ये दिन, शादियों पे हम बिजी रहे हैं तो वहाँ से फ्री हो गए हैं कम्प्लीटली, तो थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। वैसे शादियों पे मज़ा बड़ा आया था, दो तीन दिन इंजॉय करते रहे हैं, तो वहाँ से खाते पीते रहे हैं, बड़ा इंजॉय चिल मोल करते रहे। खाने पीने का तो एक बहाना होता है, वैसे शादियों पर जाके ना इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। खाता पीता तो वैसे भी इंसान पूरी ज़िंदगी घर से ही है, लेकिन शादियों पे इंसान चला जाए ना तो एक तो ये होता है कि आप गैदरिंग से मिल लेते हैं, और सेकंडली ये होता है कि आप अपने माइंडली तौर पे आप फ्रेश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक नई जगह पे आप जाके बैठ जाते हैं। तो इससे ये इफेक्ट पड़ते हैं कि आपकी जो साइकी होती है ना ये फ्रेश हो जाती है। तो मामा अब नीचे खाना वगैरह बना रही है, अभी टाइम हो रहा है जी, असर का टाइम हो गया, नमाज वगैरह पढ़ी है, असर का टाइम हो गया, तो सूरज भी ग्रूब होने की तरफ आ गया, तो असर का टाइम हो गया, तो नीचे चलते हैं और पूछते हैं मामा से कि आज क्या बना रही हैं आप, लेट्स गो। तो यार इतनी फरमाबरदारी बच्चे नहीं माँ बाप की करते जितनी बर्ड्स मेरी करते हैं। अब ये देखिए कि मैंने दो दफ़ा करनी, इन्होंने सब ने आ जाना है, पता नहीं इनको साउंड ये पसंद है कि इनकी माँ ऐसी आवाज़ें निकालती थी, आई डोंट नो। तो अब मैं दो दफ़ा मैंने ऐसे करना है, तो इन्होंने देखना है कि फ़ौरन एक सेकेंड से पहले भागते भागते इन्होंने दरवाजे के पास आ जाना है कि शराज आ गया हमारे पास। तो लेट्स ट्राई नाउ, ये देखिए सारे आ गए, ये देखो अब बाइट्स काट रहे हैं मुझे। चलो ये बड़े प्यारे हैं, चिक्स हैं। तो एक इसको क्या हुआ है, वो वैसे लेटा हुआ है खा पी के। तो यार आपका भाई अब जा रहे हैं नीचे, ये दरवाज़ा हम ज़्यादातर बंद ही रखते हैं, अगर बिल्ली के बच्चे स्टोर रूम में घुस गए ना तो यार यहाँ से निकालने बहुत मुश्किल है। तो फिर हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये जो डोर है ना ये ओपन करें ही ना हम। चलें अब चलते हैं हम नीचे। तो यार मामा यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हैं, साथ क्या बनाया मामा? बैंगन का भरता और आलू की भुजिया। ये बनाया है यार, गर्मी है ना, गर्मियों में ऐसी चीज़ें मामा ज़्यादातर बनाती है, एक तो खाई जाती है ऊपर से जो दही दुही वाली होती है ना। बैंगन का भरता बनाया, बैंगन का भरता एक गर्मियों में बड़ा मज़े का लगता है मम्मा। वो जो बनती है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं वो फलियाँ होती हैं, वो नहीं आ रही आजकल, कौन अरवाइन पूछूंगी तेरे बाबा को। गर्मियों में वो भी बहुत मज़े की लगती है, मामा को बोला है कि वो किसी दिन बनाए, गर्मी में वो बड़ी कमाल की लगती है, साथ आपने खीरे काटे हों तो चार चांद लग जाते हैं। मामा मेरे लिए भी रोटी बना दीजिएगा। सो रोटी बन गई है, अगर रोटी वगैरह खाते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। तो यार वो सामने वालों के घर मेहमान आए हैं, इस कुत्ते को मुसीबत पड़ी हुई है कि कौन आ गया हमारे, आउटसाइड से कोई बंदा इसने देख लिया है, इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो यार ये मम्मा ने बनाया जी बैंगन का भरता, अंदर बाकी इंटीरियर ऐड किया, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो साथ थोड़ी सी लेते हैं जी रोटी। गर्मियों में ये ऐसी चीज़ें बड़ी कमाल की लगती है, बड़ा अच्छा बना है, ज़बरदस्त बनता है। साथ ये मम्मा ने आलू फ्राई किए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा। पापा को जी ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद हैं, बैंगन का हो गया, घी का हो गया,
गर्मियों में खास तौर पे बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। सो खाते हैं खाने के बाद फिर आपसे। यार ज़िंदगी में सबसे बड़ा हैपन ये होता है कि आप चाय रख के बाहर जाएं और चाय या दूध रख के आप बाहर जाएं और पीछे से जब आपको पता चले कि चाय उबल गई है, दूध उबल गया है, तो भाई फिर आपकी और आपकी अम्मी की मुकाबला फाइट शुरू। फिर वो भाई नहीं छोड़ती, फिर वो कहती है कि अन्ना सा नज़र नहीं आया तेन, फलाना सा तीनड़ा सा कितने मरे आस, एक काम कहवा वो भी नहीं को। ये बातें सुनने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। तो ये फिलहाल चाय तो रख दी है मैंने, चाय पकती है तो फिर लेके चलते हैं ऊपर। तो यार आपके भाई ने चाय बना लिया, क्या बात है। ऊपर आ जा, बुक्स लेके ऊपर आ जा, मैं तेरा सुनता हूँ ऊपर ला के। तो चाय लेके चलते हैं जी ऊपर। तो यार हम ट्राई करने लगे हैं कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को कहें कि हमारे घर को खैराबाद कर दो और बाकी हमारे हमसायों के घरों में जाके आबाद हो जाओ, क्योंकि आप 6 बच्चे हैं और 7वीं माँ हैं। जब इतना टब्बर किसी के घर जाके बैठ जाए तो भाई उन्होंने तो आवाज़ार हो जाना है। तो ये देखो बिल्लो और बिल्लो रानी, ये बड़ी प्यारी है यार। क्या हुआ है, टैग ना करी मुझ पर, बात तो सुन ना। ओए चलो चले गए हैं। तो यार ये बच्चों का कुछ करते हैं, बच्चे अपनी अम्मी को देते हैं, अपने बच्चों को लेके जा, चल चौके ना नू। यार इसमें के बच्चे उठाते हैं तो इसको वापस करते हैं कि ये लेके जाए यहाँ से। दिखाते हैं आपको, ये बैठे तो अभी यार सीलिंग वाले भाई आ रहे हैं, तो छत का जो नीचे वाली छत है ना उसका थोड़ा सा काम करवाना था, ऊपर का डिज़ाइनिंग डलवानी थी छत में। तो वो भाई कहते हैं कि मैं कॉल किया उनको, तो वो कहते हैं कि मैं आधे घंटे तक या 1.5 घंटे तक आ जाता हूँ। तो वो आते हैं तो फिर उनको दिखाते हैं नीचे वाला पोर्शन, तो जो डिज़ाइन फिर सिलेक्ट किया फिर उनको वो भी दिखाएंगे जी ये वाला छत डिसाइड किया। तो फिर आज एक ये वाली छत हम करवाएँगे, ज़रूर करवाएँगे, लेकिन अभी नहीं करवानी ये वाली छत, हम करवाएँगे 2-4 माह तक। ज़रा नीचे वाला देखेंगे ना पहले काम वो कैसा करते हैं, ये ना हो कि पूरे घर का ठेका मका दें तो काम बाद में पता चले जी बस गुजारा मुजारा, ये पहले उनका काम देखेंगे तो फिर उसके लिहाज से फिर उनको मज़ीद ऑर्डर करेंगे। तो अगर उनका हमें उनका काम पसंद आता है तो फिर उनका सेल नंबर ले लेंगे, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम जब ऊपर वाले पोर्शन का करवाना है तो फिर उनके साथ बंदा कॉन्टैक्ट कर लेता है। तो उनको कॉल किया तो वो कहते हैं कि मैं बस आधे घंटे तक या 1.5 घंटे तक आपके पास आता हूँ, तो आता है तो फिर आपसे मिलवाते हैं। तो यार जब आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए और आपके घर में कोई बोतल शोतल भी ना हो और टाइम हो रहा हो और आपके 12:45 का और आप घर से बाहर भी ना निकल सकते हो क्योंकि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, तो उस मुश्किल घड़ी में आपके काम एक चीज़ आती है, वो एक चीज़ आती है काम, वो आपको दिखाते हैं। उस मुश्किल की घड़ी में आपके काम कौन आता है, आपका अपना भी नहीं कोई आता, उस मुश्किल घड़ी में आपके काम आता है जामाश्री। तो जामाश्री बनाते हैं और जो नीचे आए हैं भाई साइज़ ले रहे हैं उनको पिलाते हैं, नीचे लेके चलते हैं 2 ग्लास बनाते हैं जामाश्री और नीचे लेके चलते हैं, लेट्स गो। तो ये यार आपके भाई ने बना लिया, तो नीचे जो सीलिंग वाले भाई आए हैं उनको ले दे के आते हैं नीचे। तो यार ये भाई आए थे करने के लिए सीलिंग के लिए, और तो के भी हैं दोनों भाई आए थे, तो ये करते हैं सुबह से, कहते हैं कि सुबह से काम स्टार्ट हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, तो अभी सुबह हुई है तो हमारे घर में मजदूर भाई मिस्त्री भाई आ गए हैं, थोड़ा सा काम होने वाला था घर का, तो टैंकियाँ वगैरह साफ करवाई हैं। यू नो पाकिस्तान में अगर टैंकी ना हो तो घर का सिस्टम नहीं चलता, तो यहाँ पर सिस्टम होता है ना कि पानी का टाइम होता है, शेड्यूल इन्होंने सेट किया होता है कि जैसे मॉर्निंग में ऐसे आएगा, आफ्टरनून में इस टाइम से इस टाइम और इवनिंग में इस टाइम से इस टाइम, उससे पहले आपके घर पानी नहीं आ सकता। तो इसीलिए फिर जो पाकिस्तानी जो एशियन कंट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान क्या एशियन में ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही होता है, तो वो फिर क्या करते हैं वो घरों के ऊपर ना ऐसी ब्लू कलर की वाइट कलर की टैंकियाँ जो उनसे होती है ना ये ला कर रख लेते हैं, ताकि हमारे घर में अगर कोई इमीडिएटली गेस्ट आ जाए या कोई ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई वॉशरूम जाना पड़ जाए, शावर लेना पड़ जाए, तो हमारे घर पानी होना चाहिए। तो इसी तरह हमने भी भाई अपने घर में 2 टैंकियाँ रखी हैं, तो टैंकी का वेट तो एक अच्छा खासा था, तो उस पर ना सिरमट का मसला था, तो वो सिरमट भाई ने ऊपर लगाना है, यहाँ से उतारी है, तो इसके अंदर अब केमिकल डाला है, तो अब इसको साफ़ कर रहे हैं, अब अंदर से इसको क्लीन करेंगे अच्छी तरह, जितनी भी डस्ट वगैरह होगी सारा साफ़ करेंगे। तो ये वो भाई लगे हुए हैं करने के लिए। तो भाई सरफ़ ले के आया हूँ मैं अभी, ये सरफ ख़त्म हो गई थी, तो भाई ने कहा था कि सरफ़ ले के आनी है कि अंदर गर्मी है
केमिकल तो यार ये भाई जो अंदर जाके देखिए कितना गंद निकला है अंदर से, एक गार सी निकली है देखिए, ये अभी निकल नहीं है। तो ये भाई की हिम्मत है जो लगे हुए हैं कटे पीने के लिए, तो हम ये पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, ना पीने के लिए ना ना खाने के लिए। इसके अंदर क्या, उसके अंदर अंदर वो बड़ा ही हिम्मत है इन भाई की, कितनी गर्मी में लगे हुए हैं। हेलो सरफ, दो पैकेट के। तो ये अंदर से निकली। तो यार ये जो होती है ना ऐसी चीज़ें, ये जो सबसे बड़ा कारण बनता है हाइपाटाइटिस ए बी सी का बनता है, तो जितना अवॉइड कर सकते हैं ना इस पानी से तो करें। पानी तो खैर देखने में तो साफ़ लगता है, पीने में भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऐसे जम्स होते हैं जो इंसानी आँख से नहीं देखे जाते। तो ज़रूर कोशिश करें कि आप या तो मिनरल वाटर यूज़ करें, अगर मिनरल नहीं कर सकते तो जो फ़िल्टर वाला होता है ना पानी वो यूज़ कर लें। तो ये जो टैंकियों शैंकियों वाला पानी होता है ना, ये बिल्कुल भी ना यूज़ करें, ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं करते ये वाला पानी यूज़, क्योंकि ना यूज़ करते हैं ना खाने में और ना पीने में, खाने में भी हम दूसरा ही डालते हैं। तो ये देखें कितनी डस्ट निकली है, ये अगर हम यूज़ करते तो ये सारी डस्ट हमारे गुर्दों में जानी थी, तो गुर्दों में पत्थरियाँ ही बननी थी फिर। अब देखिए कितने मज़े से धूप ले रहा है छोटा बच्चा इनको ऑप्शन मिला हुआ है कि इनके पीछे छुप जाना, या उन गमलों के पीछे छुप जाना, या स्पिनर के ऊपर चढ़ जाना। बस इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो वह हम कहते हैं कि चलो भाई उठा लो। कितनी एक चीज़ इनकी ये है, इनकी खूबी है कि इन्होंने आज तक कोई मोशन वगैरह नहीं किया। करते तो होंगे, लेकिन हमारी जो जितनी कितनी छत है जहाँ पर हम बैठते हैं, ये सोफ़ों पर भी चढ़ते हैं, ये चारपाई पे भी चढ़ते हैं, जब हम ऊपर नहीं होते झूले पे भी, इवन कि यहाँ पर भी बैठे होते हैं अक्सर, मैं ऊपर आता हूँ ना तो यहाँ पर भी बैठे होते हैं। लेकिन आज तक यार मैंने इनका जो वेस्ट मटेरियल है मैंने नहीं देखा, जिनके 6 बच्चे और 7वीं माँ हो, ये तो छत गंदी कर दे बिल्कुल। पौधे ज़रूर ख़राब करते हैं लेकिन छत भी इन्होंने मैंने नहीं देखा, करते होंगे कहीं ना कहीं छुप के करते होंगे, यह साथ वालों के घर में करते, लेकिन हमारे घर में इन्होंने आज तक गंद नहीं डाला, ये इनका फायदा है। यार शरोज अभी सरिया लेके आया है, सरिया भी चाहिए था। अब मैं देखी है ये साफ करती थी मैं भाई ने, नीचे लगी हुई हैं जी, ऊपर जो मिस्त्री भाई लगी हुई हैं उनके लिए जाहिर है उन्होंने खाना वगैरह भी तो खाना ही है ना, तो उनके लिए मम्मा बना रही है जी। क्या बना रही हैं आज? चावल बना रही हूँ। पुलाव? चिकन पुलाव हाँ जी, जाहिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो खाना ही है ना। टैंकी को पानी मैंने स्टॉक कर लिया था जिसकी वजह से मैंने कहा चलो खाना तो बन गया, अभी टाइम तो 10:30 हुआ है, चलो उनके लिए बन जाएगा और आधे पौने घंटे तक। तो यार वैसे उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया। तो यार यहाँ पर शरोज बना रहा है जी, ऊपर मिस्त्रियों के लिए जामा श्री बना रहा है। तो यार शरोज लेके आ रहा है जी, मैं साफ पता लग रहा है तुझे कुछ किया है। मैं देखो जी नवी कारती है अंदर बनाने फट के। सो फाइनली गाइस इसी चीज़ के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।